एक विश्वक्षेन नाम का एक भक्त था, कलयुग की बात है और बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनना। आज से 100 वर्ष पुरानी घटना है, भक्तमाल में मैंने इसको पढ़ा था। रेल का ड्राइवर था विश्वक्षेन। देखो अंग्रेजों को भी भगवान ने कितनी अकल दी थी। कंस मथुरा की, मथुरा कंस की राजधानी, कंस मानी अभिमान, अभिमान की राजधानी, इसलिए मथुरा से अगर वृंदावन जाना हो तो अंग्रेजों ने जो ट्रेन चलाई उससे ट्रेन जाती है, कभी बैठना जरूर उसमें। मालूम है अंग्रेजों ने उस ट्रेन का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? राधा रानी एक्सप्रेस। गाड़ी का नाम है राधा रानी एक्सप्रेस, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अभिमान की राजधानी से अगर भक्ति की गोद में जाना है तो भैया वृंदावन जाना है तो भक्ति की गोद में ही बैठ करके जा सकते हो, राधा रानी एक्सप्रेस। वो उसका ड्राइवर था और आधा घंटे में ट्रेन वहां से चल करके वृंदावन, 12 किलोमीटर तो है अपना, भूतनाथ रुकती है, पागल बाबा रुकती है और जन्मभूमि रुकती है, उसके बाद में वृंदावन पहुंच जाते हैं। चार ही स्थान, जन्मभूमि, भूतनाथ, पागल बाबा और वृंदावन। विश्वक्षेन नाम का ड्राइवर था, उसने अपने जीवन का एक नियम बनाया कि हमें ठाकुर जी ड्राइवर के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से रोज वृंदावन भेजते हैं। 1 घंटे के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकती है, तो जाता था और तत्काल हस्ताक्षर करवाता और दौड़ करके 15 मिनट में जाता बिहारी जी का पास में, 15 मिनट में दर्शन किया, 15 मिनट में लौट करके आकर के ऊपर गाड़ी मथुरा गया। नियम एक दिन महाराज उसने गाड़ी खड़ी की और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चला गया और उस दिन फूल बंगला था, अद्भुत फूल बंगला, उसमें दिव्यतम फूल बंगला का जब ठाकुर जी, कभी कभी अगर आपको ज्यादा ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाए ना तो समझ लेना वो तुमको देख रहे हैं, तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी श्री फगवाड़ा वाले महाराज जी पधारे यहाँ पर और वेदांत बिहारी जी का जो ही दर्शन किया, अरे इतने अच्छे ठाकुर जी का श्रृंगार, इतना अच्छा, इसका मतलब ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो विश्वक्षेन जी जो गए तो वहां पर ठाकुर जी का उस दिन फूल का बंगला था, वो ड्राइवर जो गए वहां पर, अंग्रेज लोग नियम के बड़े पक्के थे कि अगर थोड़ी भी तुम लेट लतीफ किए तो छुट्टी कर देते थे नौकरी से। वो वहां बिहारी जी का दर्शन करने गए, फूल का बंगला अद्भुत सजा हुआ था, फूलों से सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, ऐसे अद्भुत श्रृंगार ठाकुर जी का था और उसे देख करके विश्वक्षेन देखते के देखते ही रहे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा टाइम का और टाइम ज्यादा हो गया। और जब उन्होंने घड़ी पर नजर डाली तो समय ज्यादा हो चुका था, वो भागे, क्योंकि अंग्रेज लोग तो कुछ मानते नहीं थे, सुमहाराज भागे भागे चले और उसके बाद में उन्होंने एक बार पलट करके बिहारी जी को देखा, कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, अगर गोविंद बिहारी जी मेरी नौकरी चली गई तो तेरे चौखट पर आकर के ही हम रोएंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। वो बेचारा लौट करके जब रेलवे स्टेशन गया तो देखा वहां तो ट्रेन थी ही नहीं, तो घबरा गया, समझ गया कि मैंने लेट किया तो दूसरा ड्राइवर आया और गाड़ी लेकर के चला गया। अब इधर महाराज ऑफिसर का भी रूम बंद था, ऑफिस बंद हो चुका था और वहां से मथुरा 12 किलोमीटर दूरी पर ही है, तो बाहर इक्का कांगा जो भी चलता था पुराने जमाने में उससे बैठ करके वो मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। सत्य की घटना, मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचा और जो स्टेशन मास्टर थे उनके सामने पहुंच गए, सामने जाकर के कहा कि सर आज मैंने पहली बार गलती की है, मैं गाड़ी नहीं लाया, मेरी नौकरी मत लेना हुजूर, मेरे पास में कोई भी साधन नहीं, मैं बड़ा गरीब हूं। अंग्रेज मास्टर गोरा था, उसने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? कहा सर आज मैं गाड़ी लेकर के नहीं आया। बोले नहीं तुम ही गाड़ी लाए।
नहीं नहीं साहब मैं नहीं लाया, आपको थोड़ा ध्यान नहीं। बोले नहीं नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मैंने अच्छी तरह से देखा है तुम ही गाड़ी लाए। बोले सर मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं गाड़ी नहीं ला पाया। बोले लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूं कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मानूं। तो क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तुम ही गाड़ी लाए। जब बार बार स्टेशन मास्टर ने यही बात कही कि नहीं तुम ही गाड़ी लाए हो, तुमने रजिस्टर में हस्ताक्षर किया है, तो कहा कि साहब हस्ताक्षर दिखा दे। और जब रजिस्टर उसके सामने रखा गया, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ वो था नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हस्ताक्षर करता था वही हस्ताक्षर उस रजिस्टर में उसका बना हुआ था। फूट फूट करके रोने लगा। उसने कहा कि हुजूर आप बैठ जाइए, आपसे हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपने देखा था मुझे? बोले हाँ तुम ही थे। बोले सर कल भी आपने मुझे देखा था और आज भी आप मुझे देख रहे हो, और इससे पहले भी आपने एक घंटे पहले मुझे देखा है, कुछ अंतर था? तो स्टेशन मास्टर एक क्षण के लिए रुका। उसने कहा अंतर तो था। बोले वो अंतर बताओ। कहा थे तो तुम्ही, यही कपड़े थे, शक्ल सूरत यही थी, फिर भी पता नहीं क्यों तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा मन कह रहा था कि मैं तुम्हें बैठाऊं, मैं तुम्हारे पास बैठूं, मैं तुमसे बात करूं, ऐसा मन कर रहा था। मैं सुख से रोने लगा। कहा कि हुजूर वो मैं नहीं था, मेरा मालिक था। वो कहता है कि अरण्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सकल भावना से मेरी शरणागति हो जाता है उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। लेकिन तुमने तो ये कहा था कि वो मूर्ति है। बोले सरकार मैंने कभी नहीं कहा, मंदिर के अंदर में बैठी हुई मूर्ति को, ठाकुर जी के विग्रह को श्री विग्रह कहा जाता है, उन्हें मूर्ति कहना मूर्ति का अपमान है, कभी मूर्ति नहीं कहना चाहिए। इसलिए महाराज तो बोले तो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम नहीं थे पहले? कहा हुजूर मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं तो उसका दर्शन करने गया था और बीच में मैं लेट हो गया, इसलिए मेरी नौकरी को बचाने के लिए मेरा मालक नौकर बना, गाड़ी चला कर क्या। सर एक मिनट के लिए रुको, ये मेरा इस्तीफा है, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि उसने विश्वास दिला दिया कि तू मेरा विश्वास कर, मैं तेरा काम पूरा करूंगा। भगवान कहते तुम कथा हो रही कथा में जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे काम हम पूरे करेंगे। कई बार यहाँ पर चमत्कार हो चुका है, आपको नहीं समझ में आता तो मैं कैसे आपको बताऊं। अनेक बार ऐसा हुआ कि किसान यहाँ बैठे रहे, सोचते रहे कि अब पानी कैसे लगाएं, और रात रात में ठाकुर जी ने वर्षा करके उनके खेतों को सींच दिया, कहा तुम्हारे खेत सींच गए हैं, तुम चिंता मत करो, कथा सुनो। विश्वक्षण ने कहा कि सर हमारा इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि वो मैं नहीं था, मेरा मालिक था, ये हस्ताक्षर भी उसी ने बनाया, मेरी जैसे उसने कपड़े पहने। स्टेशन मास्टर ने कहा कि मैं भी इस्तीफा देता हूं तुम्हारे साथ में, हम भी अब उसी के दीवाने बनेंगे। दोनों ने नौकरी को छोड़ दिया, वृंदावन में यायावरी वृत्ति के साथ में घूमने लगे और एक ही गीत गुनगुनाया करते थे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कहीं तो मिलेंगे I'm
स्टेशन मास्टर और वो विश्वसेन और उसके बाद में गोकुल से जब रमन रहते के लिए जाते हैं रास्ते में वो चले जा रहे थे दोनों विरह विह्वल। उसी समय आसपास के लोगों ने देखा एक प्रकाश पुंज पैदा हुआ और वो दोनों के दोनों ठाकुर जी का दर्शन करके शरीर छोड़ दिए। उनकी आप अगर वहां से गोकुल से रमन रेती की ओर जाएंगे तो रास्ते में उन दोनों की समाधियां बनी हुई है, प्रत्यक्ष बात है।